तो गाइस आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि सौरभ जोशी को कोरोना कैसे हुआ, उसका ब्लॉग देख के हमें पता चल सकता है कि कैसे कोरोना हुआ है। उसका ब्लॉग मैं देखा था तो मुझे लगा था यही ब्लॉग से हुआ है, तो गाइस वही ब्लॉग आपको दिखाऊंगा और कैसे हुआ है वो भी बताऊंगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो गाइस जो सौरभ जोशी को अपडेट दिया था मैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो गाइस वो कैसे हुआ है मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। तो गाइस कैसे हुआ है तो वही उसी का ब्लॉग देख के तो पता चल सकता है हमें, तो उसी का हम ब्लॉग देखेंगे और हमें पता चलेगा, मुझे पता है पता चलेगा, कहीं कि मैं सोचा था यही ब्लॉग से हुआ है। तो गाइस आपको वही ब्लॉग दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम यह रहा, जल्दी से इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, 2000 जल्दी करा दो यार फॉलोअर, तो इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मैं मम्मी जी थोड़ा नाराज हूँ, बिकॉज मम्मी जी जा रही है शादी में, इतना कोविड फैल रहा है बाहर और मम्मी जी को शादी की पड़ी है। तो गाइस सौरभ जोशी के फैमिली का यही पास सबसे बड़ी गलती हो गई, इतना कोरोना है लेकिन इनको शादी में जाना है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। अभी तो और हिंट मिलेगा तो ये देखिए वीडियो। और ऊपर से सबको कह रही सब चलो खा पी के आना, जो कि मैं तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा। मैं तो मम्मी कह रहा हूँ, इतना मैंने मम्मी बोला कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ऊपर से कह रही ये देख मैं झुमके कैसे लग रहे हैं, मैंने कहा झुमके छोड़ो, बाहर कोरोना हो रहा है इतना, बोलते और क्या है? चल जा कोरोना, कोई नहीं आ रहा कोरोना। तो गाइज यहाँ पर सौरभ जोशी की मम्मी कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है कोरोना वोरोना, तो गाइज इसको लापरवाही कहे कि क्या कहे। तो गाइज यही तो था सबसे बड़ा गलती। तो गाइज आगे और देखिए, आगे और आपको पता चलेगा, वहाँ थोड़ी हो रहा है वरना हमारे हाजी में नहीं हो रहा है इतना। तो गाइज यहाँ पर सौरभ जोशी की मम्मी बोल रही है यहाँ हाँसी में नहीं हो रहा है कोरोना। तो मैं बता दूँ कोरोना बता के नहीं होता है यार, बड़े लोगों को ज्यादा फैलते है। सब माता रानी की कृपा है, मैं आज जा रही हूँ, कहीं जाती हूँ कहीं जाती हूँ बेटा, अपना बचाव अपने आप करूंगी, ऐसा मत सोच दिमाग में। मम्मी घर से बाहर निकलो ही मत ना, ऐसे कुछ नहीं होता बाबू, भीड़ भड़ाके वाली जगह पे नहीं है, वहाँ भीड़ भड़ाका शादी में भीड़ नहीं होगी। कल देखा था मैंने, कई शादियाँ हो रही है, मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, मैं और तो घर ही रहेंगे। आप नहीं मानोगे, अब जाओगे? अब तो जाऊंगी मैं। तो गाइस यहाँ पर सौरभ जोशी की मम्मी कह रही है कि शादी में भीड़ नहीं होगी। यार शादी में भीड़ नहीं होती है क्या? यहाँ सौरभ जोशी अपनी मम्मी को लाख समझा रहे लेकिन नहीं समझ पा रही है उनकी मम्मी कोरोना को। तो गाइस मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मम्मी तो मान रही, मैं एक बात तो कह रहा हूँ कि मत जाओ शादी में, बस यही तो कह रहा हूँ। तो गाइज यही पर मुझे लग रहा है कि यही लापरवाही की वजह से पूरी फैमिली को कोरोना हुआ है, क्योंकि शादी में पूरी फैमिली गई थी सिर्फ सौरभ जोशी को छोड़े, तो अब चार लोगों को हुआ तो एक लोगों को तो जरूरी होगा कोरोना। तो गाइज आपको देख के पता चल ही गया होगा कि कैसे हुआ है, और मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि कैसे हो सकता है। तो गाइज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, घर में रहो सेफ रहो। तो गाइज आपको मैं बता दिया कि ऐसा हो सकता है, एक कंफर्म नहीं है कि यही ब्लॉग से हुआ है लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर लोग बताए हैं कि यही ब्लॉग से हुआ है, लेकिन मेरे को पहले ही पता चल गया था यही ब्लॉग से हुआ है, और क्या पता गाइज यही ब्लॉग से हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ होगा, मैं तो अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। तो गाइज आपको आई होप आपको समझ आ गया हो। तो जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और इंस्टा पे भी तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।